आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे किस तरीके से सीवी एडिटिंग आप कर सकते हो, क्योंकि यार सीवी एडिटिंग बहुत ज्यादा ट्रेंड में है स्टार्टिंग से ही। लेकिन भाई बहुत सारे लोग आपको सिखाते हैं स्नैपसीड में भी, पिक्सार्ट में भी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पिक्सार्ट में बहुत ज्यादा इजी है। एंड बहुत लोगों को ये लगता है ना कि क्वालिटी कम हो जाएगी, फोटो की क्वालिटी लॉस हो जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको तरीके बताऊंगा किस तरीके से आप अपनी फोटो को फुल HD में सेव कर सकते हो, वो भी सीवी एडिटिंग करके पिक्सार्ट ऐप के अंदर। तो बहुत ही इजी है, आप वीडियो को पूरा देखो, वीडियो में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। हाँ तो गाइस, हमने बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लिया, आपको भी इस बैकग्राउंड को पिक्सार्ट ऐप के अंदर ओपन कर लेना है। गाइस इस बैकग्राउंड का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इजीली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां से गाइस आपको ऐड फोटो पे चलना है एंड आपको अपनी मॉडल के PNG जो है ऐड करनी है, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी कटआउट करके रखा हुआ है, तो आपको मतलब कटआउट करने नहीं आता तो आप कमेंट करना, मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा किस तरीके से आप जो है बैकग्राउंड से कटआउट करो। तो गाइस ये वाला पिक हमने ऐड कर लिया, आप देख पा रहे हो कि ये मॉडल का पिक हमने बैकग्राउंड ऑलरेडी इरेज कर लिया है। तो बैकग्राउंड इरेज करना कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, ये बहुत ही सिंपल बहुत ही इजी है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि कैसे बैकग्राउंड को इरेज करते हैं। बाकी गाइस इस वीडियो में मतलब ऐसा ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ आपको जो कि सीवी एडिटिंग में आपको शायद ही कभी देखने को मिला होगा, ठीक है। तो आप वीडियो पूरा देखिए। सबसे पहले गाइस हमने यहाँ से फोटो को ऐड कर लिया एंड इसको हम सेंटर में सेट कर लेंगे, ठीक है। तो देख पा रहे हो कि ये पूरा अच्छे तरीके से सेंटर में ये सेट हो गया है। सेंटर में सेट हो जाने के बाद बहुत लोग क्या करते हैं कि फोटो के ऊपर से ही इस पर काम करते हैं, तो इससे क्या होगा, जैसे कि देखो हम यहाँ पे कोई भी इफेक्ट वगैरह देंगे, जैसे कि हमें टी शर्ट का कलर चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस आपको पता है कि कलर रिप्लेस से आपका टी शर्ट का कलर जो है यहाँ से इजीली चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ये गलती करते हैं कि यहीं से चेंज कर लेते हैं, इससे क्या होगा कि आपकी फ़ोटो की क्वालिटी जो है ना कम हो जाएगी। तभी आप लोग बोलोगे कि भाई पिक्सार्ट ऐप के अंदर मेरी फ़ोटो की क्वालिटी लॉस हो जाती है। तो ऐसा कुछ नहीं, आपको सिंपल से यहाँ से आपको डन कर लेना है। डन कर लेने के बाद गाइस यहाँ से आपको ऐड फोटो का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करके मैं आपको एक PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आपको उस PNG को ऐड कर लेना है, ठीक है। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि हमने इस PNG को ऐड कर लिया एंड इसको बड़ा करके कुछ इस तरीके से सेट कर लेंगे, ठीक है। बाकी इसकी ब्लेंड मोड को आपको यहाँ से चेंज कर लेना है एंड इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो गाइस हमने यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया, देन यहाँ से इरेजर लेंगे एंड यहाँ से आपको इन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से रीस्टोर के ब्रश लेंगे, हार्डनेस को बढ़ा देंगे एंड फोटो को जूम करना है एंड कुछ इस तरीके से आपको अपने पूरे टी शर्ट पे इसको पेंट कर देना है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो कि आपके टी शर्ट का कलर जो है इजीली जो है चेंज हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आपकी फ़ोटो की क्वालिटी पे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ ताकि ज़्यादा टाइम ना लगे। आप पहले साइड से करना है ऐसे, तब आप बीच से करना ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना लगे एंड आप परफेक्ट तरीके से कर पाओ, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। हाँ तो गाइज अभी आप देख पा रहे हो कि टी शर्ट का कलर बिल्कुल जो है चेंज हो गया है। आप यहाँ से अगर आपको और भी कलर रखना है तो आप सिंपल से यहाँ एडजस्ट टूल में आना, यहाँ से आपको ह्यू में जाना है एंड जो भी कलर आपको यहाँ से रखना है आप इजीली यहाँ से इसको चेंज करके रख सकते हो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा चीज़ है, मतलब कि इससे आप अपने टी शर्ट का कलर और भी ज़्यादा चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो मेरे ख्याल से गाइज इसमें जो है हमको यही वाला कलर जो है ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आप देख पा रहे हो ये ग्रीन कलर। तो हम फिलहाल इसको यही रहने देते हैं एंड यहाँ से इसको डन कर लेते हैं, ठीक है। डन करने के बाद गाइज अभी देख पाओगे कि फोटो कुछ इस टाइप से लगेगी। तो इतना रहने देने के बाद गाइज अब आपको क्या करना है, यहाँ से गाइज आपको चलना है एडजस्ट वाले ऑप्शन के अंदर, यहाँ से चलना है एडजस्ट में जाके कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा इंक्रीज कर लेना है, यहाँ सेचुरेशन हम बढ़ा लेंगे लगभग इतना
एंड हाईलाइट्स को थोड़ा सा जो है कम कर लेंगे लगभग इतना, एंड यहाँ से इसको डन कर लेंगे। ओके एंड गाइज, इसको फाइनल एडिटिंग करने के लिए अभी गाइज हम जाएंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो यहाँ से हम पहले फोटो को ड्रॉ टूल के अंदर चल के कर लेते हैं सेव, एंड इस फोटो को गाइज अभी हम शेयर करके ओपन कर लेंगे स्नैपसीड ऐप के अंदर। ठीक है, तो हम करते हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन। गाइज हम यहाँ से फोटो को सेंड पे क्लिक कर दिए एंड इसको ओपन कर लेते हैं स्नैपसीड ऐप के अंदर। तो गाइज हमने फोटो को स्नैपसीड ऐप के अंदर ओपन कर लिया। यहाँ से गाइज आपको टूल्स पे चलना है, यहाँ सेलेक्टिव पे, एंड कुछ इस तरीके से गाइज आपको सेलेक्ट करना है अपना हैंड एंड अपना स्किन, मतलब कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है। एंड यहाँ से गाइज आपको सेचुरेशन को कम करना है, स्ट्रक्चर को भी कम। वैसे ही गाइज आपको सेम अपने फेस को कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करना है, यहाँ ब्राइटनेस को बढ़ा देना है, सेचुरेशन को कम एंड स्ट्रक्चर को भी कम। एंड गाइज अभी देख पाओगे फोटो बिफोर ये आफ्टर, तो आपकी फ़ोटो कुछ इस टाइप से लगेगी जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रही है। एंड यहाँ से हम ये ब्लैक वाला जो आपको शर्ट दिख रहा है इसे सेलेक्ट करके इसकी कॉन्ट्रास्ट जो है हम थोड़ा सा जो है इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट इंक्रीज करने के बाद फ़ोटो में तो वही मतलब और भी ज़्यादा बवाल लगने लग गई। तो यहाँ से हम इसको डन करते हैं, अभी देखोगे बिफोर आफ्टर, तो फोटो ओवरऑल हमारी एडिट हो गई है अच्छे तरीके से। एंड अभी रही बात स्मूथ करने की, तो यहाँ से आपको टूल्स पर जाना है, यहाँ से गाइज आपको पोर्ट्रेट पे क्लिक करना है, एंड कुछ इस तरीके से आपको स्मूथ टू सेलेक्ट करना है, एंड इसकी अमाउंट आपको सही से सेट कर लेना है। यहाँ से गाइज अभी आप देख पाओगे कि आपकी फ़ोटो के अंदर आपका फेस जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है स्मूथ हो गया है। ये देखो बिफोर ये आफ्टर, तो गाइज जितना काम आपको कर लेना है, एंड अभी आपकी फ़ोटो ओवरऑल मस्त एडिट हो गई है। आप अगर आप कोई PNG यूज करना चाहो तो यहाँ से डबल एक्सपोजर पर आकर यहाँ ऐड फोटो पर क्लिक करना है आपको, एंड हम एक PNG को ऐड कर लेते हैं। एंड गाइज ये वाला टेक्स्ट आपको टेक्स्ट PNG जो है ऐड कर लेना है, एंड इसको आपको लाइट एंड पे सेट कर लेना है। ठीक है, एंड यहाँ से इसको जूम आउट करेंगे एंड कुछ इस तरीके से इसको हम साइड में सेट कर लेंगे कुछ ऐसे। तो गाइज आप देख पा रहे हो कि फोटो जो है अभी पूरा ओवरऑल एडिट हो गया है। एंड यहाँ से आपको शेयर पे क्लिक करना है, आपकी फ़ोटो आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। बाकी गाइज आपको बैकग्राउंड PNG का लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इजिली डाउनलोड कर सकते हो। होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।